हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा लेटेस्ट ग्लोबल बीटा का अपडेट है वो है 8.9.6 यानी कि 6 सितंबर 2018। तो इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया मिल जाएगा, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो हमारा प्रीवियस अपडेट था जो कि वो है MIUI 10 का 8.8.30 यानी कि 30 अगस्त 2018, ये 2-3 दिवस के लिए सस्पेंड हो चुका था। तो यहाँ पर जो वीकली लिखा हुआ आ रहा था उसके बदले यहाँ पर टॉप सीक्रेट आ चुका था। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको भी नेक्स्ट अपडेट मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले MIUI 10 का लेटेस्ट ग्लोबल बीटा अपडेट मिल जाए। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो MIUI फोरम है वहाँ पर जो प्रीव्यू है आ चुका है जो कि वो है 8.9.6 यानी कि 6 सितंबर 2018। इसके अलावा और क्या कुछ नया आने वाला है इसके बारे में मैंने एक नोट रेडी की है, तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MIUI फोरम की। तो गाइज, पिछले अपडेट की तरफ काफ़ी सारी बग्स इसमें भी फिक्स की गई है और जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आता है तो उसमें काफ़ी सारे बग्स आ जाती है, इसलिए वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट में इस बग को फिक्स करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो बग्स फिक्स की गई है वो है नोटिफिकेशन कैन नॉट बी क्लियर, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन है वो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसका अपडेट को भी सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो क्लियर नहीं होती थी तो आपको कुछ नहीं करता था, आपको सिंपल से इस तरह के स्वाइप करने से ही हटानी पड़ती थी, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसलेटर एरर इन फर्स्ट एड। जी हाँ गाइस, आपको पिछले अपडेट में सिक्योरिटी में जो फर्स्ट एड है वो मिल चुका है, बट काफ़ी ऐसे भी डिवाइस है जिसमें अभी तक नहीं मिला है, तो इसको भी इस बार मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो लैंग्वेज चेंज करी गई अब तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर चाइनीज लिखा हुआ आता था। मैंने जब पहली बार इसको देखा तो मेरा जो लैंग्वेज है वो यहाँ फर्स्ट एड लिखा हुआ है वो चाइनीज में आता था, तो मेरे डिवाइस में तो सोल्व किया गया है, बट काफ़ी ऐसे भी डिवाइस है जिसमें अभी तक सोल्व नहीं किया है, तो इसको भी इस अपडेट में सोल्व किया जाएगा। तो इसके बाद है पेनोरामा मोड डज नॉट वर्क इन रेडमी नोट 5। तो गाइस, पिछले अपडेट में मुझे काफ़ी सारे ऐसे भी कमेंट मिले कि जो हमारा रेडमी नोट 5 है और इसके अलावा रेडमी नोट 3 है उसमें जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने लोगों को बताया था कि आप थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक और नेक्स्ट अपडेट तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे थे हमको परेशान हो रही थी, तो गाइस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा अपडेट कल आ जाएगा तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा आप देख लीजिए, जो हमारा पेनोरामा मोड है वो रेडमी नोट 5 में वर्क नहीं करता था, बट हमारा जो रेडमी नोट 4 है और जो बाकी की डिवाइस है उसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बाद जो अगला है वो भी रेडमी नोट 5 में है, जो कि वो है कैमरा हेड स्टॉप। जैसे मैंने बताया कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो इस बार इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसके बाद है सम ऐप आइकन आर नॉट शोविंग इन नोटिफिकेशन पैनल। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है वो अभी शो कर रहा है, बट काफ़ी ऐसे भी डिवाइस है जैसे कि यहाँ पर है टिकटॉक करके हमारी एप्लीकेशन है, उस जब मैं उसके ऑन करता हूँ और जो उसकी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर शो नहीं होती है, जिसको भी इस बार सोल्व किया जाएगा। इसके बाद है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम शोविंग डबल नोटिफिकेशन फॉर सिंगल मैसेज। गाइस, काफ़ी लगातार अपडेट से फिक्स किया जा रहा है बट ये सोल्व नहीं हो रहा है, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर अपडेट में ऐसा फिक्स आ जाता है कि इस बार फिक्स किया इस बार फिक्स किया, बट कोई भी फिक्स नहीं होता है। हालांकि काफ़ी ऐसे भी डिवाइस है जिसमें फिक्स किया गया है, बट जो इस डिवाइस में रिमेनिंग है उसमें धीरे धीरे करके वो फिक्स करते जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर और कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, तो जब अपडेट कल आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या फिक्स हुआ है और कौन कौन से अपडेट न्यू आए हैं। तो कल भी आप जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ नया आया है इस लेटेस्ट अपडेट में। इसके अलावा मैंने बताया कि मैंने एक नोट रेडी की है, उसमें क्या नया आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे थे कि हमारा जो चार्जिंग है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, अब जब चार्जिंग में प्लग इन करते हैं तब हमारी जो इंडिकेटर लाइट है LED लाइट वो ब्लिंक नहीं होती है, तो काफ़ी समय के बाद वो ब्लिंक होती है, जिसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। हालांकि मेरे भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है तो इस बार इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है बैटरी डैन फास्ट।
जी हाँ गाइस, तो इससे भी लोग मुझे बता रहे हैं कि जो हमारा लेट प्रीवियस अपडेट है उसमें जो बैटरी का बैकअप है वो ज़्यादा नहीं रहता है, तो काफ़ी सारी बैटरी को ड्रेन हो जाती है, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। अगर गाइस आप पबजी जैसे गेम खेलते हैं तो आपका जो डिवाइस है उसमें जल्दी से जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है, इसलिए आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको भी इस बार सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है ब्लैक बटन इन सिक्योरिटी। जी हाँ गाइस, तो काफ़ी लोग इससे परेशान है क्योंकि जो सिक्योरिटी में हमारा ये सारे आइकॉन है वो ब्लैक कलर के हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, ये काफ़ी सारे आइकॉन है, सभी आइकॉन ब्लैक कलर के हो चुके हैं यानी कि डार्क है, बट इसको भी सॉल्व किया जाएगा। हालांकि मेरे भी डिवाइस में था पर दो दिन पहले मुझे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, तो मालूम नहीं ये अपडेट है या सिक्योरिटी का अपडेट है, तो इसको भी सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद है सेटिंग फॉर क्लोज। जी हाँ गाइस, अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर सर्च में क्लिक कुछ टाइप करते हैं तो कभी कभार जो हमारा सेटिंग है वो फोर्स क्लोज हो जाता है। हालांकि अभी मेरा सोल हो चुका है पर मेरे में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।